व्यूअर्स, आप सब ठीक है? आज हम बनाएंगे आम का अचार और मिर्चों का और लेमन का। तो सबसे पहले मैंने आम को धो के इनको कुशक करके, और उसके बाद मैंने ये छोटी छोटी सी जो आम की होती है पीस, ये बना ली है। और अब हम इनको लगाएंगे हल्दी और नमक। ये देखिए, मैंने 2 चम्मच हल्दी ली और 2 चम्मच नमक लिया। अब अच्छी तरह हम इनको मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इनको ना, ये जो आम के हैं पीस, इनमें लगाएंगे। अब हम इनको ये हल्दी और नमक लगाएंगे और अच्छी तरह इनको मिक्स करेंगे। उसके बाद हम 6 से 7 घंटे इसको ना रख देंगे। फिर आगे वाला जो काम है बाद में आप बताएंगे। ये मैं आपके सामने मिक्स करने लगी हूँ, चाहे आप हाथों से कर लें, चाहे आप चम्मच से कर लें, वो आपकी मर्जी, जैसे आपको इजी लगता है। अब मैं इसको ढाक के 6 से 7 घंटे रखूँगी ताकि जो इनका पानी है वो निकल जाए। एक्स्ट्रा पानी निकालने की वजह ये है कि ये अगर हम एक्स्ट्रा पानी जो इसका है निकाल देंगे तो ये 2 से 3 साल तक चल जाए। चलिए, अब मैं इसको रख देती हूँ, फिर मिलते हैं 6 घंटे के बाद। ये जो हमारे आम है वो अब तैयार हो गए हैं, जो हमने नमक और हल्दी लगा के रखे थे 5 से 6 घंटों के लिए। अब इनमें जो मसाले डालने हैं, ये सबसे पहले राई, जीरा, धनिया सूखा, ये है वो मेथी जिसको मेथी दाना भी कहते हैं, ये सौंफ है, काली मिर्च है, कलौंजी है, और ये थोड़ा सा लहसुन है, और ये है जिंजर यानी अदरक का पाउडर। अब इन मसालों में से हम सभी 1-1.5-2-2 चम्मच लेंगे सभी मसाले। जीरा हम लेंगे 2 चम्मच, सूखा धनिया 2 चम्मच, जीरे 2 चम्मच लेंगे। ये हम 3 चम्मच लेंगे सॉल्ट। इन सभी मसालों को हम थोड़ा सा भून लेंगे। जी ये हमारा जो मसाला है वो थोड़ा सा मैंने भून लिया है, मैंने थोड़ा सा इसको पीछे करना है तकरीबन 2 से 3 मिनट। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख लेंगे। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा ना पीस लेंगे, यानी थोड़ा सा दर दरा जो कहते हैं, जब थोड़ी देर ठंडा हो जाए।
ये 1 किलो मैंने ऑयल लिया। अब इसको हम थोड़ा सा गर्म करेंगे खाते, तो इसमें जो है हम जो होते हैं या आप चम्मच से भी थोड़ी कम इसमें हम हींग डालेंगे और इसको गर्म करेंगे। अब ये ऑयल हमारा जो है गर्म हो गया, अब हम यहाँ पर और ऑयल को ठंडा होने के लिए रखते हैं। अगर आप तेज मिर्च खाना चाहते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। इसमें नमक थोड़ा कम था, मैंने और नमक डाल दिया। ये जो हमने ऑयल गरम किया था ये ठंडा हो गया, अब ये हम इसमें डाल देंगे। ये 1 किलो मैंने ऑयल लिया था। कोशिश करनी कि हाथ आपके साफ हों और खुशक हो। ये लेंगे हमारा आम का अचार डल गया है, आप इसे ज़रूर बनाइएगा, बहुत मज़ेदार है। एक दफ़ा ज़रूर बना के देखिए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब प्लीज़। इससे हमारी हौसला अफज़ाई होती है और फिर हम नई नई वीडियो लेकर आते हैं आप लोगों के लिए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। मैंने अभी रखा है इसको और ये तेल डाल के, तो इसके बाद मैं इसमें और थोड़ा सा तेल डालूँगी और इसको मर्दबान में डाल दूँ। आप चाहें तो वो प्लास्टिक की जो होती है बाल्टी वगैरह डिब्बा वगैरह डाल सकते, लेकिन मर्दबान में ज़्यादा देर चाहता है और शीशे के जार में, थोड़ी देर के लिए ऐसे रखूँगी और फिर मर्दबान में डाल दूँगी। एक थोड़ा सा भूना था तो अब इनको हम थोड़ा सा ना पीस लेंगे। ज़्यादा हमने ब्रेक नहीं करना, सिर्फ मोटा मोटा सा पीस लें। आप चाहें तो इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं। ये देखिए पीसने से इसकी हालत कुछ इस तरह की हो जाएगी।
बस इसी तरह का पीसना है। चलिए अब मैं आपको सारा पीस के भी बताती हूँ। चलिए अब ये जो मसाला हम खाना के अंदर डाल रहे हैं, आप ये देखिए ये मैंने डाल दिया। अभी भी मैंने 2 किलो आम लिए थे और 1 किलो मैंने आम लिया। देखिए इस तरह सारा चावल बना रही है। ये डंडा मिर्च जो है मैं 2 चम्मच डालूँगी। हल्दी मैं 1 चम्मच डालूँगी क्योंकि हमने पहले भी लगाई थी। नमक वो आपकी मर्जी कितना आपका, तो मैं इसमें 3 चम्मच डालूँगा। और ये पीसी हुई मिर्च भी इसमें डालेंगे, ये मैं डालूँगी 1 चम्मच, 1 चम्मच से थोड़ा सा कम। अब हम इसमें ये लहसुन भी डाल देंगे, इतना काफ़ी है लहसुन। अगर आप तेज मिर्च खाना चाहते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। इसमें नमक थोड़ा कम था, मैंने और नमक डाल दिया। ये जो हमने ऑयल गर्म किया था ये ठंडा हो गया, अब ये हम इसमें डाल देंगे। ये 1 किलो मैंने ऑयल लिया। कोशिश करनी कि हाथ आपके साफ हों और खुशक हों। ये लेंगे हमारा आम का अचार डल गया। आप इसे ज़रूर बनाइएगा, बहुत मज़ेदार है, एक दफ़ा ज़रूर बना के देखिए। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब प्लीज़, इससे हमारी हौसला अफज़ाई होती है और फिर हम नई नई वीडियो लेकर आते हैं आप लोगों के लिए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। मैंने ना अभी रखा है इसको ये तेल डाल के, तो इसके बाद मैं इसमें और थोड़ा सा तेल डालूँगी और इसको मर्दवान में डाल दूँ। आप चाहे तो वो प्लास्कट की जो होती है बाल्टी वगैरह डिब्बा वगैरह डाल सकते, लेकिन मर्दवान में ज़्यादा देर चाहता है और शीशे के जार में। थोड़ी देर के लिए ऐसे रखूँगी और फिर मर्दवान में डाल दूँगी।